गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम श्वेता एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश क्लास एज वी आर परसुइंग विथ लेसन नंबर वन दैट इज ओल्ड ब्रेयर रैबिट ओल्ड ब्रेयर रैबिट के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वेर ही वॉन्ट ही वॉज डूइंग अ वर्क वो काम कर रहा था ऑल ऑफ़ अ सडन ही गॉट टायर्ड वो थक गया था एकदम से एंड ही वेंट टू अ नियर नियर टू अ वेल वो एक वेल uh, well के पास कुएं के पास जाता है एंड ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट इन द बकेट ऑफ दैट वेल वो सोचता है कि उस बकेट के अंदर जाके जो कुएं के पास था वो रेस्ट ले लेगा एंड Uh, with, with his heaviness, with his weight, the bucket went deep into the well. उसकी भार के वजह से वो जो bucket था वो बिल्कुल well के अंदर चला जाता है uh, And he was being followed by a bear फॉक्स Bear फॉक्स के फॉक्स जो है उसको फॉलो कर रहा था उसका पीछा कर रहा था ही saw him गोइंग डीप into दैट वेल well. उसने देखा कि वो वेल के अंदर जा रहा है एंड थॉट ऑफ इट दैट ही माइट देर मस्ट बी गोल्ड माइन इन इट और समथिंग ही विल जस्ट फाइंड इट वो सोचता है कि शायद हो सकता हो उसके अंदर उसने पैसा छुपा के रखा हो या फिर कोई सोने की खजाना हो ये सब कुछ सोचने लगता है वो फॉक्स और उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो उस कुएं के पास जाता है नाउ द सेक्शन टू ब्रेअर फॉक्स कैप्ट अ लिटिल क्रैप्ट अप लिटल नियर द वेल एंड ब्रियर फॉक्स जो है वो उस वेल well के पास जाता है और सुनने की कोशिश करता है ही डिड एंड हीर एनी नॉइज़ और क्राइज फ्राम द ब्रियर रैबिट वो वहाँ से ना ब्रियर रेबिट की कोई शोर सुनता है ना ही उसके रोने की आवाज़ आती है ही केम क्लोज टू द वेल वो उस और नज़दीक आता है उस कुएँ के पास एंड पीप डाउन द वेल और उस कुएं के अंदर झाँक के देखता है ही डिडेंट सी एनी थिंग वो उसके अंदर कुछ भी नहीं देख पाता है एंड डिडेंट हीयर एनी थिंग और कुछ सुन भी नहीं पाता है ऑल दिस टाइम ब्रियर रेबिट वॉज सिटिंग क्वाइटली स्केयर्ड आउट ऑफ हिस् स्किन हर वक्त वो रेबिट ब्रियर रेबिट था जो उसके अंदर कुएं के अंदर बकेट में था वो चुपचाप से क्वाइटली हिले बगैर आवाज़ भी नहीं कर रहा था क्यों क्योंकि स्केयर्ड आउट ऑफ हिज स्केर्ड आउट ऑफ हिज स्किन मतलब ऐसा इतना डरा हुआ था कि उसके चमड़ी के अंदर से भी उसका डर निकल रहा था स्किन के अंदर से ही वॉज एफरे टू मूव इन वो उसके अंदर हिलने से भी डर रहा था केस इन केस द बकेट टिल्ट ओवर वो हिलने से भी इसीलिए डर रहा था क्योंकि वो बकेट जो था वो टिल्ट होके मतलब नीचे गिर ना जाए पानी के अंदर ही didn't want to fall into the water, वो नहीं चाहता था कि वो पार, पानी में गिर जाए Then he heard brer fox shout out, फिर उसने सुना कि ब्रियर फॉक्स जो है वो बाहर से चिल्ला रहा है Hey brer rabbit, Hey brer rabbit. हु आर यू विजिटिंग डाउन देअ तुम किस से नीचे मिल रहे हो ओ आई एम जस्ट फिशिंग ब्रियर सेबिट ब्रेर ब्रियर रेबिट ने कहा अरे मैं तो यहाँ पर मछली पकड़ रहा हूँ आई था आई वुड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर मैंने सोचा कि आज आप सब को ताज़ी ताज़ी मछली खिलाऊँगा रात के खाने में वाई डोंट यू कम क्यों नहीं तुम आ जाते हो एंड हेल्प मी ब्रिंग अप द फिश और मेरी मदद करो ताकि ये सारे फिश ऊपर लेके आ सकू से ब्रियर फॉर रेबिट ब्रियर रेबेट ने ऐसे कहा हाउ विट डाउन देयर ब्रियर रेबेट मैं कैसे नीचे आऊँ ब्रियर रेबेड जम्प इन टू द बके ब्रियर ब्रियर फॉक्स

हल्के होने के वजह से रैबिट ऊपर आ रहा था वेन दे पासड वन एन अदर हाफ वे अप जब वो आधे रास्ते में बराबर एक दूसरे के सामने से आधे रास्ते में एक दूसरे के सामने से जब पास हुए निकल गए और डाउन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुकड एट ईच अदर और तुम डिपेंड नहीं करोगे कि वो एक दूसरे की तरफ कैसे देख रहे थे ब्रियर रेबिड सेंग आउट उसी टाइम ब्रियर रेबिड एक गाना गाने लगा गुड बाई ब्रेयर फोक्स गुड बाई ब्रेयर फॉक्स दिस इज द वे द वर्ल्ड गोज राउंड सम गो अप गो डाउन यू विल गेट टू द बॉटम ऑल सेफ एंड साउंड मतलब गुड बाय गुड बाय बेयर फॉक्स बाय 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 बेयर फॉक्स दिस इज द वे वर्ल्ड गोज राउंड इसी तरह से पूरी दुनिया चलती है कुछ लोग ऊपर आते हैं कुछ लोग नीचे जाते हैं यू विल गेट द बॉटम नीचे बॉटम तक चले जाओगे नीचे तक सेफ एंड साउंड बिल्कुल सुरक्षित ऑफकोर्स बेरफ रेस्क्यूड लेटर हाँ हाँ बेयर फॉक्स बाद में उसको बचा लिया गया है बट दैट्स अना दी लेकिन वो अलग कहानी है सो दिस अबाउट एंड अ बेयर रैबेड बेयर रेबेड अवर रेबिट वो बहुत ही चालाक रैबिट uh, था सो ही सेव्ड हिमसेल्फ बट रेस्क बट लेट बॉक्स वॉज इन डेंजर सो क्लैस इसीलिए कभी किसी के साथ अच्छा करना चाहिए ना कि बुरा करने की कोशिश करना चाहिए जबकि बेयर फॉक्स उसका दोस्त था फिर भी बेयर रैबिट ने उसका बुरा बुरा किया बेशक उसको बचा लिया गया बट वो अब वो ये कह सकता था कि पुल करो मुझे मैं ऊपर आ जाऊंगा, ऐसे भी बोल सकता था नहीं उसने बेयर फॉक्स की ज़िंदगी ख़तरे में डाली थी डेंजर में डाला और ख़ुद सेफ़ एंड साउंड बाहर आ गया था So class, you must be clear about this old bear rabbit. Thank you.